हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक छोटी सी वीडियो। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ही ओपन किया है, ठीक है। अब दो चीजें हैं, एक तो होता है कंटिन्यूअस फॉर्म और दूसरा होता है सिंगल फॉर्म। तो दोनों का क्या मतलब है? तो फॉर्म बनाना आई होप कि आपको आता होगा। यहाँ पर मैंने टेबल बनाया है, ये देख सकते हैं, ये टेबल है हमारी जिसमें मैं आप देख सकते हैं, ये मैंने जूम किया, देख लीजिए ये जो है हिस्सा, इसमें आपको टोटल भी दिखाई पड़ रहा है, यानी प्राइस के आधार पर यूनिट के हिसाब से टोटल भी कैलकुलेट किया है। तो ये जो है कैलकुलेटेड डेटा टाइप की मदद से हमने किया। यहाँ पर जो है प्राइमरी की बनाया आईडी को, यहाँ पर डेस्कटॉप है, दो ही प्रोडक्ट हमने ले रखे हैं। तो अगर हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनाते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ डिजाइन व्यू पे आ जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है, ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो ये फॉर्म हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप, मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आपको दिख रहा है। इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करके, सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे और सॉफ्टवेयर में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, नीचे कुछ और नहीं दिखाई पड़ रहा है, केवल एक ही रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद है, ठीक है। ये हो गया आपका सिंगल फॉर्म, समझ में आ रहा है ना, ये सिंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब कंटिन्यूअस फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से वापिस से आ जाते हैं, यहाँ से डिजाइन व्यू पे इसको ले लेते हैं, ठीक है, फॉर्म पे ही हमें रहना है। और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर हमने सिंगल फॉर्म किया, यहाँ पर मैं कर देता हूँ कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फॉर्म की बात कर लेते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म करने से क्या होगा, तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस करने पे कंटिन्यू वे में यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही रिकॉर्ड दिखाई पड़ रहा है, आपको दोनों ही रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, आपको दोनों ही रिकॉर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, एक रिकॉर्ड तो दिखाई दे नहीं रहा है, यहाँ पर दोनों ही रिकॉर्ड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये होता है कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो पूरे एक बार में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे ये टेबल है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये टेबल में दो ही रिकॉर्ड्स हैं, तीसरा रिकॉर्ड हम फिल कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ SUGAR, शुगर कर दिया, यहाँ पे रेट डाल दिया इसका 45 रुपए किलो, और यहाँ पे 6 किलो चीनी की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये तीसरा फॉर्म हो, तीसरा रिकॉर्ड हो गया ना इसमें। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फॉर्म को ओपन करता हूँ, तो ये हमारा फॉर्म है। तो फॉर्म में तो अभी फिलहाल कितने रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, तीनों रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए, ये पहला रिकॉर्ड है डेस्कटॉप, दूसरा रिकॉर्ड है लैपटॉप, तीसरा रिकॉर्ड है शुगर, तीनों ही दिखाई देने लगे ना। तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। अगर इसी को आप सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक यहाँ से जाते हैं और यहाँ से हम सिंगल फॉर्म बना देते हैं, ये कंटिन्यूअस फॉर्म बना देते हैं सिंगल, तो फिर देखिए क्या होता है। ये सिंगल कर दिया तो खाली एक रिकॉर्ड दिखाई देगा, फिर यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा, फिर नेक्स्ट करेंगे तो तीसरा, इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इसी में एक चीज और है, वो क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ से पहले डिजाइन व्यू पर ले लेता हूँ, यहाँ पर सिंगल फॉर्म और कंटिन्यूअस फॉर्म तो देख लिया, ये क्या है, डेटा शीट, डेटा शीट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही डेटा शीट करेंगे तो ये इस वे में दिखाई देगा, देख रहे हैं इसका वे क्या है, इस तरीके से ये दिखाई देगा डेटा शीट में, इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये डेटा शीट किया मैंने, ओके। यहाँ से ये डिजाइन व्यू पे जाकर देखिए, यहाँ पर डिफॉल्ट, यहाँ पे व्यू क्या किया हमने, डेटा शीट व्यू कर दिया, ठीक है। अगर हम स्प्लिट फॉर्म करते हैं, स्प्लिट फॉर्म, तो स्प्लिट फॉर्म में क्या होगा, स्प्लिट फॉर्म में ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ऊपर डेटा शीट व्यू में दिखाई पड़ेगा, जैसे डेटा शीट व्यू में आपको नजर आता है, ये देख सकते हैं, ये स्प्लिट फॉर्म है। देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और नीचे जो है आपको फॉर्म व्यू दिखाई पड़ेगा, दोनों अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, देख सकते हैं ये दोनों ही, ओके। तो ये बात समझ में आ रही है, ओके, थैंक यू।